गोरख रेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मटका गला शेप की कुर्ता कटिंग करना बताऊंगी। इसका नाप आपके मोबाइल की स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। कुर्ता लंबाई 41, कंधे 16, चेस्ट 35, वेस्ट 29, हिप्स 38, आस्तीन लंबाई 11, आस्तीन की फिटिंग 9.5, आगे का गला 6 और पीछे का गला 8। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलो अपन इसको बनाते हैं। हमने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। ये रियोन का फैब्रिक है। इसको हमने 4 भाग में इसको फोल्ड करके रख दिया इस तरीके से। देखिए ये हमारे कुर्ते की लंबाई है 41, तो हम मैंने 43 लिया है। इसको जो ऊपर सिलाई कंधे की सिलाई के लिए चाहिए 1/2 इंच और नीचे फोल्ड करने के लिए। अब अपने कंधे की नाप है, कंधे का नाप है 16, तो अपने को 16 का आधा करना है 8। 8 कंधे होंगे तो 8 ही अपने को आर्मोन से लेना है इस तरीके से। ये कंधे का नाप ले लिया अपनों ने, ये 8। अब ये जहाँ से 8 लिया है इसी जगह से वापस आर्मोन्स के लिए भी अपन 8 ले लेंगे इस तरीके से। इधर से भी नाप लेंगे ताकि छोटा बड़ा ना हो। ये ले लिया है, यहाँ से ये इस तरीके से 8 लगा लिया। अब अपने चेस्ट है 35.5, तो 35.5 का अपने को चौथा भाग करना है। 35.5 ये रहा है, इसमें 3 जोड़ेंगे, ये 1, ये 2 और ये 3। 38.5 आ रहा है, 38.5 का चौथा भाग करेंगे इस तरीके से। 2 बार ये करा है, 1 बार और ये कर दिया, तो अपने आ रहा है इसमें 9.5। 9.5 पे अपन फिटिंग लगा देंगे इसकी। ये अपना चेस्ट की फिटिंग हो गई। इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे 1.5 इंच, यहाँ से यहाँ 1.5 इंच लूजिंग के लिए, मतलब कभी ढीला टाइट करना हो। ये अपना परफेक्ट फिटिंग का नाप है। अब यहाँ से 7 इंच नीचे लेंगे वेस्ट के लिए, जो कमर के लिए, कमर से 7 इंच नीचे लेंगे। ये 14 आ गया इस जगह से हिप्स के लिए, ये हिप्स के लिए इंच का नाप लगा दिया। अब अपना वेस्ट है 29, 29 के अंदर भी अपन 3 जोड़ेंगे, ये 1.30, ये 31 और ये 32, 1, 2 और ये 3, 3 जोड़ दिए 32। वापस इसका चौथा भाग करेंगे इस तरीके से, ये आ गया 8, 8 × 32, ये 8 के ऊपर फिटिंग लगा देंगे। अब अपना हिप्स है 38, अपना फिटिंग है परफेक्ट। इसमें भी अपन 3 जोड़ देंगे 38 के अंदर, ये 1 और ये 2 और ये 3, ये हो गए 41, 41। इसमें भी वापस तीसरा भाग, ये हो गया 10.5 आ रहा है। यहाँ पे अपन इसको हिप्स का नाप लगा देंगे, ये इस जगह पे अपन N2 का निशान लगा देंगे। अब यहाँ से अपने को 1.5 इंच सीधा लेना है चेस्ट के लिए, और इसको अपन ऐसे मिलान कर देंगे इस तरीके से। ये देखिएगा इस तरह,
और डेढ़ डेढ़ इंच अपने को एक्स्ट्रा लेना है, जिससे अपने कुर्ते की लूजिंग मतलब फिटिंग लगने के बाद में एक्स्ट्रा जो कपड़ा रखना होता है वो, इसको भी अपन इस तरीके से मिला देंगे। अब अपने को लगाना है आर्मोन्स का नाप लगाना है, इसमें लेंगे डेढ़, डेढ़ के ऊपर अपन गोला ही दे देंगे। इस तरीके से फिर इसके अंदर चार तीन ले लेंगे, तीन इस कोने से यहाँ तक तीन का नाप लेंगे। फिर इसके अपने इंच टेप के अंदर कोने दो का ये नाप होता है, इस गोलाई से अपने को यहाँ टच करके देखना है कोने दो का नाप कहाँ तक आ रहा है। इस तरीके से अपनों ने नाप लगा दिए, अब यहाँ से ये शेप दे दें। अब अपने का गले का नाप लेना है, पौने तीन पे लगाना है अपने को। आगे का गला है अपना छः, ये छः लगा दिया। नीचे से ले लेंगे अपन तीन, यहाँ से इसको वापस मिला देंगे। इस तरीके से मिला दिया, इसमें एक की गोलाई दे देंगे, एक इंच की, एक इंच की गोलाई दे दिए। इस तरीके से इसका शेप बना देंगे और अपने ये कुर्ते की लंबाई मैंने पहले से ही नाप के रख रखी थी, परफेक्ट अपने कुर्ते की लंबाई रहेगी फोल्ड होने पर 41। आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा ऊपर कंधे पर सिलाई के लिए जाएगा, नीचे फोल्डिंग के लिए। अब अपने को या तिरछा ना होए इसलिए अपने को इस तरीके से निशान करते हुए इसे ये कर देंगे, नाप बना लेंगे। अब अपन इसकी कटिंग करेंगे, पीछे का भाग अपन इसको आगे का भाग निकाल के फिर पीछे की कटिंग करेंगे, पीछे की गले। अपन आगे का गले की कटिंग करेंगे इस तरीके से। पीछे के भाग के लिए अपनों ने ये कटिंग कर दी थी, अब आगे के भाग के लिए कटिंग करेंगे। ये हो गई, ये इस तरीके से ये कटिंग होगी। उन्होंने पीछे का भाग रखा है इस तरीके से, वापस इसको फोल्ड करके रख दिया है। अब अपन इसके गले का नाप लगाएंगे, पीछे का गले का नाप ये 2.5 पे
तरीके से ये ले लिए, अपने गले का नाप है 8, ये 8 ले लिए, नीचे से अपन ले लेंगे 3, इस तरीके से अब इसको इसे मिला देंगे। इस तरीके से और ये 1 इंच की गोलाई दे देंगे। इस तरीके से अपने को मटका शेप की कटिंग करनी है। इस तरीके से अब अपन इसकी कटिंग करते हैं। इस तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए ये अपने कुर्ते की कटिंग होगी इस तरीके से। अब इसके अंदर पीछे फिजिंग लगकर कपड़ा लगेगा, अंदर से फोल्ड होएगा। अब अपन डिजाइन बनाने के लिए इसे मटका गले के अंदर ये इस तरीके से बीट्स बनाएंगे। ये मैंने फॉर्म लिया है, ये इस तरीके से लगाएंगे, इसके ऊपर अपन इस तरीके से धागा लपेट देंगे। ये बनाया मैंने, ये अपने को आस्तीन के ऊपर भी लगाना है और गले के अंदर भी लगा, आगे गले में भी लगेंगे, पीछे गले में भी लगेंगे, आस्तीन पर भी लगेंगे। इस तरीके के अपने को 100 बनाने। ये देखिएगा इस तरीके से इसकी कटिंग कर दिए, इस तरीके से कर दिए। और भी मैंने ये इस तरीके से मैंने और भी बहुत सारे ये बना के रख रखे हैं बीट्स, ये अपने को गले के अंदर लगाने। इस तरीके से अपने को 100 बना के रखने हैं और ये बनाए हुए बीट्स गले में भी लगेंगे, आगे भी लगेंगे, पीछे भी लगेंगे और आस्तीन के अंदर भी लगेंगे। ये इस तरीके से पीछे के गले में अपने को इस तरीके से मैंने आगे भी बताया था कि इस तरीके से सारे जमेंगे, सिलाई के साथ में लगेंगे। ये इस तरीके से जब मैं सिलाई करूँगी जब उसके साथ में, अभी तो मैं आपको ऐसे जमा के बता रही हूँ ताकि ये इस तरीके से लगेंगे गले के अंदर। अब उन्होंने ये कपड़ा लिया, इस तरीके से 4 बार फोल्ड कर दिया इस तरीके से। हमने आस्तीन की लंबाई है 11, तो अपन इसमें ले लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा 12, ये ले लिए इस तरीके से। अब इसको एक जैसा कपड़ा कर देंगे। चौड़ाई ले लेंगे अपन 10 आस्तीन के लिए,
10 ले लिया, ऊपर से ले लेंगे अपन 3। यहाँ से इसकी शेप दे देंगे। से शेप दे दिए। अभी आते हैं इसकी कटिंग।